नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान के 7वें क्लास को आज हम देखेंगे, जो कि सभी सरकारी नौकरी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे पहले के सभी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और या मैं एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उनको भी देख सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है वायुमंडल में गैसों की मात्रा। आपको बताना कि हमारे वायुमंडल में कौन से गैस कितने मात्रा में उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मात्रा है ना हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, वो सबसे ज्यादा है। और कितना है? 78.08। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 08 मैंने लिखा है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 78.06 भी देखने को मिले, तो आप लोग 0.08 भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन काफी नजदीक दिया जा सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन का तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए उपयोगी गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.94%, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आर्गन, ठीक है, आर्गन की जो मात्रा होती है 0.93%, ठीक है। बाकी की जितनी गैस होते हैं वो 1% में होते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे वायुमंडल में हिस्सा होता है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने CO2 लिखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद देखिए नियॉन, नियॉन की मात्रा होती है 0.018%, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हीलियम का पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हीलियम का होता है 0.1235, ठीक है, 0.0005%, ठीक है। उसके बाद ओजोन, ओजोन भी पूछा जा सकता है, ओजोन भी इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन का जो मात्रा होता है 0.00006%, ठीक है, तो ओजोन का याद रखिएगा आप लोग। और ये जितना भी मैंने बताया आपको पहला टॉपिक है, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से देख के जाइएगा। और काफी आसान टॉपिक है और काफी कॉमन टॉपिक है। तो अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं। अब दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक है मात्रकों का एक दूसरे, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ दूसरे होगा, एक दूसरे पद्धति में परिवर्तन, ठीक है। एक के पद्धति से दूसरे पद्धति में जब परिवर्तन करते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 इंच, 1 इंच का मान कितना होता है? 2.454 सेंटीमीटर, आप लोगों को पता होगा। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि 1 इंच का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है सेंटीमीटर में? 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ से आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नंबर 2 में 1 गज, 1 गज का जो वैल्यू होता है 0.91 मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 फैदम, 1 फैदम का वैल्यू होता है 1.8 मीटर। उसके बाद 1 नॉटिंगल मील का वैल्यू होता है 1.85 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1 वर्ग इंच, मतलब इंच वर्ग होगा ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.45 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा वर्ग गज, मतलब गज वर्ग, ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर होता है ना, वर्ग मीटर होता है, वैसे ही हिंदी में लिखा हुआ ये, तो यहाँ इसका वर्ग गज का वैल्यू कितना होता है? 0.83 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग मील का वैल्यू कितना होता है मीटर में? 2.58 मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। इसके बाद घन फुट, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.028 मीटर क्यूब। उसके बाद 1 लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 लीटर का वैल्यू होता है सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनको आप देख लीजिएगा, आगे हम देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है 1 ग्रेन, तो 1 ग्रेन का जो वैल्यू होता है 6.48, ठीक है, 6.48 mg। उसके बाद 1 फुट का वैल्यू कितना होता है? 0.3 mg, मतलब मिली ग्राम हो गया, 0.3 मीटर, ठीक
ठीक है। उसके बाद वन चैन का वैल्यू होता है 20.11 मीटर, उसके बाद वन मील का वैल्यू होता है 1.60 किलोमीटर, उसके बाद वन एंगस्ट्रॉम का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, याद रखिएगा, 10^-10 मीटर, वन एकड़ का वैल्यू होता है 10^10 मीटर स्क्वायर, उसके बाद वन ड्रम का वैल्यू होता है 1.577 ग्राम, उसके बाद वन पिंड का वैल्यू होता है 0.56 लीटर। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है, तो इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की स्पीड मतलब चाल ठीक है। आपको साउंड का वेलोसिटी निकालना अलग अलग मीडियम में, मीडियम मतलब होता है माध्यम। और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वायु, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद जल पानी में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड ठीक है। और उसके बाद देखिएगा सी वाटर मतलब समुद्र के जल में क्या होता है 1533 मीटर पर सेकेंड ठीक है। उसके बाद लोहा, लोहा में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पारा मतलब होता है मरकरी, मरकरी में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे ग्लास है, ग्लास में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एल्युमिनियम लिखा है, एल मतलब होता है एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकेंड ठीक है। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल में होता है, एल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड में 260 है सॉरी। उसके बाद देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है 1269 मीटर पर सेकेंड ठीक है। उसके बाद वेपर मतलब भाप, भाप में होता है साउंड का स्पीड 405 मीटर पर सेकेंड ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा ठीक है। हो सकता है कभी बोलने में मुझसे गलत हो गया होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो वेलोसिटी होगा, जो स्पीड होगा साउंड का, वो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मे भी पूछा जा सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में। और जो भी टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जितने भी लेसन में, जितने भी क्लास में मैंने बताया, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा ठीक है। हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला लेसन है प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा के बारे में। तो लोहा का जो अयस्क होता है, लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट ठीक है और हेमेटाइट। उसके बाद तांबा, तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, और कॉपर का अयस्क होता है पाइराइट और मेलेकाइट ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम का अयस्क होता है, कैल्शियम को सीए से डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क होता है डोलोमाइट और जिप्सम ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को एमजी से डिनोट करते हैं, और उसका क्या होता है डोलोमाइट और मैग्नीज होता है। मैं देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिएगा पारा, पारा को हम बोलते हैं मरकरी, और मरकरी का, मरकरी का जो अयस्क होता है क्या होता है सिनेबार होता है। उसके बाद सीसा, सीसा को हम लेड बोलते हैं, और लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं, और इसका जो अयस्क होता है गैलेना ठीक है। उसके बाद देखिएगा थोरियम, थोरियम का अयस्क होता है मेनोजाइट ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम, पोटेशियम को के से हम डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क होता है बोरेक्स और एनएसीएल। उसके बाद चांदी, चांदी को एजी से हम डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क होता है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है सोना, सोना को हम एयू से डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क क्या है बिस्थम आराइट ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद काल वे नो, काल वे राइट ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा जिंक, जिंक का होता है कालामाइन और जिंकाइट ठीक है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम, ईएल लिखा है मैंने, तो एल्युमिनियम का होता है बोरेक्साइट, बोरेक्साइट और कोरंडम ठीक है, कोरंडम। उसके बाद यहाँ देखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज का क्या होता है सिलोमिलन ठीक है, सिलोमिलन होता है। उसके बाद यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लिखते हैं यहाँ सीओ से, और इसका अयस्क क्या होता है स्मेलाइट, स्मेलाइट होता है निकेल, निकेल को एनआई से हम दिखाते हैं, और निकेल का क्या होता है मेलेराइट होता है ठीक है। तो मेलेराइट है, निकेल का अयस्क होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको आप एक दो बार सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ठीक है, तो इसको एक बार सुनिएगा।
आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सुनने से जल्दी याद होता है, तो इनको सुन के आप याद कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं।